कर रही है इस पिक्चर अमीना में, एक है मीना का, दूसरा मीना का, तीसरा अमीना के रूह का। फिलपाल सर अभी दो दो फिल्में बहुत चल नहीं रही, तो क्या लगता है अमीना का चांस है बहुत ज़्यादा चलने का? भाई देखिए जब अमीना आ जाती है तो हर मैदान अपना हो जाता है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, दीवाने भी हैं और क्रू भी बहुत अच्छा है, सारी निशान जो है फेवर में है और कोई बीमारी की नहीं, बस इतनी है फिलहाल। क्रू भी अच्छा है, बड़े भी छोटे भी फैन है, और क्योंकि अमीना जैसे फिर मैदान में आ चुकी है, समझता हूँ कि अब अमीना नहीं देखेगा वही होगा कमी, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगा, माना partners, Red Ribbon, which are distributing the movie worldwide, distributing the music of the movie worldwide. And बस बहुत खुशी है, बहुत सुंदर movie है और all the 8 songs are very different, very entertaining and very subtle message has been given. And I'm so happy that woman empowerment की बात बहुत अच्छी तरह से
बहुत एंटरटेन के साथ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत अच्छी तरह से गाए। जावेद अली जी ने बहुत सुंदर गाना गाया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत मैग्निफिसेंट वीडियोस है, बहुत इस्माइल दरबार ने उसका बैकग्राउंड स्कोर दिया है एंड रेड रिबन ने उसको रिलीज किया है म्यूजिक। रेड रिबन इज रेड कलर व्हिच इज फायर। ऑल आवर सॉन्ग्स आर वायरल बिकॉज ऑफ दिस लेडी ओवर हियर। इट्स माय प्रिविलेज। बहुत अच्छा डायरेक्टर हमारे साथ में, उनका विजन इतना अच्छा है, अमेजिंगली प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है मूवी का। आई एम सो हैप्पी कि आप इतनी अच्छी बात इतनी अच्छी तरह से। रेड रिबन इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट म्यूजिक कंपनी इन इंडिया इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार पवार, द प्ले पार्ट हैज बीन रिटन बाय वेरी बिग राइटर ऑफ उर्दू डॉक्टर अपना आफ्ताब हसनैन साहब, सो ही इज द राइटर ऑफ द नॉन प्ले पार्ट। बोलो। यस सर। अच्छा प्रयास है मूवी का, जिस हिसाब से एक बहुत बड़ी समस्या है और देखा जाए तो त्रासदी को अपने इसमें उठाया है जो कि हम आए दिन हमारे समाज में हो रहा है, उस विषय को लिखने से पहले आपका रिसर्च क्या है? सर जी, रिसर्च से अच्छा तो ये कहे कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था। मैं एक तो लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ, PhD किया है लिटरेचर में। हमारा तारा भी जो था लेडीज़ के प्रॉब्लम पर ही था, इट वॉज फेमिनिस्ट मूवी। और फिर इसके बाद ये समस्या भी ऐसी समस्या थी जो इस माध्यम से कहना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी था। इसलिए मेरा रिसर्च बोलो या मेरा ऑब्जर्वेशन बोलो या मेरा रीडिंग बोलो, हमारा समाज, हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि हम औरतों की या देवी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या ये इतना भी सच है? औरत को देवी बना करके पूजा घर में रखना और उसे इंसानों के जैसा ट्रीट करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। और इस सिनेमा में दिखाने का हमारा यही एक प्रयास था कि औरत को पूजने की जरूरत नहीं है, उसे बस इंसान के तरह तुम लोग ट्रीट करो, उसे इंसान समझो, वो कोई चीज़ नहीं है कि बड़ी बेटी हो गई, शादी के लायक हो गई, पैसों के लिए उसे बेच डालो। अगर माँ बाप ही ऐसा करने लगे, चलो ये तो माँ बाप की बात हो गई, समाज भी उसके तरफ जो देखने का आज देखता है उसे एक वस्तु के तौर पर देखता है। आज लड़की की हम शादी करते हैं तो हम लोग कन्या का दान करते हैं जैसे कोई चीज़ हो जिसे दान में दे दिया, ये कहाँ की संस्कृति है हमारी? अरे किसने लाई है सारे हमारे सामने जो ये इतने जो विचार हमने जो रखे हैं या हमारा जो जिसे हम लोग कल्चर कहते हैं, कहाँ से आया है ये सब? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है और हमें यकीन है ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो बंदा ये सिनेमा देखेगा वो अपना समय और पैसा खर्च करने पर पछताएगा नहीं, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ख्याल दिल में आया है इसलिए शाहिद के साथ आप लोगों ने मेहमानों को बुलाया। फिल्म का नाम है अमीना, इसके अंदर एंटरटेनमेंट की कई कमी ना, बिल्कुल 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 नहीं है। इसको आसमान भी देखना सिर्फ जमीन ना। सुनील भाई हमारे बहुत ही बहुत बढ़िया नारी शक्ति पर है ये फिल्म। मैं समझता हूँ कि ये हर महिला को देखनी चाहिए और हर पुरुष को देखनी चाहिए, परिवार को देखनी चाहिए। साफ सुथरी फिल्म है लेकिन एक नारी शक्ति का एग्रेशन जो है वो ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैं समझता हूँ कि सही मैसेज है राज भाई ने, राजकुमार साहब, कुमार राज साहब ने बहुत सही फिल्म बनाई है। और यहाँ जितनी भी महिला की आवाज़ें आ रही है वो नॉर्मल बातचीत की आवाज़ नहीं, ये नारी शक्ति की आवाज़ है।
और रेड रिबन से इसका म्यूजिक आ रहा है, तो मैं रेड रिबन और लालिता जी को भी बधाई देना चाहूँगा। देखिए नारी शक्ति पर फिल्म है, तो फिल्म का जो म्यूजिक भी है वो रिबन से आ रहा है, रिबन से आ रहा है, और लालिता जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू जी। हाँ बड़े में छोटे में एक फिल्म ऐसी मुझे लगती है जैसे किसी नए सीएम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी एम सी एम, बड़े में है छोटे में बी एम सी एम। और ये फिल्म जो है वैसे मुझे लगता है कि बहुत पैसा कमाएगी, हमारे अली अब्बास जफर की फिल्म बहुत पैसा कमाएगी, क्योंकि इस फिल्म में एटीएम है, अक्षय, टाइगर, मानुषी, इस फिल्म को चिल्लर मत समझो, बहुत पैसा कमाएगी, एटीएम चलता रहेगा। और बड़े भैया छोटे भैया जो है, अब देखिए बड़े भैया भी आ गए, ये छोटे भैया और बीच में सॉरी बीच में नॉर्मल भैया नॉर्मल भैया हाँ हाँ सॉरी हाँ रिसर्च का क्या रिसर्च हुआ? बहुत ही रिसर्च किया इसके ऊपर में, अभी बारिश हो रही है पैसों की, रिसर्च की बात ही मत करो। इन्होंने रिसर्च किया, प्रोड्यूसर ने खर्च किया और हमने सर्च किया फिल्म को, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है सभी लोग सर्च करेंगे और सब देखिए आज की हीरोइन की आज बहुत बढ़िया एक्टिंग, बहुत बढ़िया एक्टिंग की आपने। दादा नमस्कार। अब बाजू में वाइट है, इधर ब्लैक है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि पैसा जो है ब्लैक एंड वाइट में आने वाला है। अमीना फिल्म को हम सब देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है, सर्च बहुत अच्छा किया गया, इन्होंने रिसर्च बहुत अच्छा किया है और प्रोड्यूसर ने खर्च बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि अब ये फिल्म पूरी दुनिया में सर्च की जाएगी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग पूरे परिवार इस फिल्म को देखेगा, क्योंकि अमीना फिल्म में कोई कमी नहीं। अमीना पिक्चर के लिए इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉल आ रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे कि सबको हमारी पिक्चर चाहिए, एंड दिस मूवी अमीना इज स्प्रेडिंग इन टू दिस कंट्री लाइक फायर, नॉट ओनली इन इंडिया, ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, के ग्लोबल फिल्म्स उसको पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 19th पे पूरे दुनिया में लगने वाली है, सो प्लीज़ सी ए वो मूवी एंड एंजॉय। ग्लोबल फिल्म पूरा ग्लोबली कर रहा है, ग्लोबल पूरा मैं समझता हूँ कि इनके प्रेमी और इनके यार दोनों मिलके बनाइए प्रीमियर, तो ये प्रीमियर जो है हिट हुआ है, प्रीमियर में ही हिट है, तो फिर सोच रही है कि आगे की तरफ कितना। मेरे को इतना अच्छा लगा, अच्छे अच्छे सीन्स पे लोग ताली बजा रहे थे, तो इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, सो ऑल द बेस्ट। ये अमीना मैदान में आ चुकी है, तो इसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ सब देखेंगे, पूरा क्रू देखेगा। करेक्ट। और भाई कुछ दो शब्द बोलता राम के तरफ से कुछ शब्द, तो पिक्चर में भी राम का नाम आता है। जी आया। सवाल का है, सवाल 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 दोस्तों, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा नाम रामा मेहरा है, और कुमार राज साहब की ये दूसरी फिल्म देख रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, इसके पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी ताया करके, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर अवार्ड शो में दिखाई गई, और जहाँ तक पूरी दुनिया के जितने भी अवार्ड शोज होते हैं हर अवार्ड लेकर के आई थी ताया फिल्म, और काफ़ी सालों बाद कुमार राज साहब फिर एक फिल्म लेके आए हैं, उसका नाम है अमीना, और ये फिल्म भी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने का अवार्ड लेके आएगी, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों एज ए फिल्म मेकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी डिफरेंट स्क्रीन प्ले है इस पिक्चर का, जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत डिफरेंट है, रूटीन स्क्रीन प्ले नहीं है, मैं खुद राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर्स भी हूँ, तो जब ये पिक्चर मेरी टेबल पर आई थी तो मैंने पोस्टर देख के बगैर कुछ काट छांट के इसमें साइन कर दिया था पोस्टर्स पे, और आज ये पिक्चर स्क्रीन तक पहुंच गई, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कुमार राज एंड पूरी टीम के लिए, किस तरह की फिल्में बनाते रहें और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म मेकर को एक नए नए सबक सिखाते रहें। थैंक यू। एक्टिंग वाज लाइक बेकार एंड ऑसम। सॉरी आई डिडंट गेट यू।
इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जो कि एक फीमेल के ऊपर बेस्ड है और आजकल के जो भी सिनेमा है उससे बहुत ज़्यादा अलग है. तो एक औरत कभी भी कमज़ोर ऑब्वियसली नहीं है, हमेशा स्ट्रॉन्ग अंदर से ही मजबूती आती है चाहे हालात कैसे भी हों. सो इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड मूवी. आई लाइक द फिल्म और मैं इसको बिना आप लोगों के क्वेश्चन पूछे ही 5 में से 5 थे. थैंक यू सो मच. पिक्चर लगी हुई है, चलो देख लेते हैं. काफ़ी बढ़िया मैसेज गया है इसमें, जो संदेश दिखाया गया है एक बहुत बेहतरीन संदेश है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, रेप होता है, उसका एक अलग इंसिडेंट होता है. जिस बारे में समाज के लिए कुछ बहुत एक अच्छा लेसन दिए जा रही है. एक्टिंग बढ़िया है, स्टोरी लाइन वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. फिल्म बहुत खूबसूरत है. मैंने शुरू से लेकर एंड तक फिल्म को पूरा ध्यान से देखा. जैसे इंटरवल तक मेरे आंखों में आंसू थे. आत्मा को छूती है फिल्म. और हिंदी की इज्जत रखिए. जैसे इंग्लिश में नाम होते पिक्चर में, यहाँ पर हिंदी में नाम है सारे एक्ट्रेस के, सारे टीम के. तो बॉस बहुत सुंदर पिक्चर है. और बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम लोग होते जो ऐसी फिल्में बनाते. और कुमार राय जैसे डायरेक्टर फिल्म मेकर की ज़रूरत है बॉलीवुड को. बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है. इट्स अ मास्टरपीस. ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. कुमार राज सर और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और मैं गुजरात से हूँ और पूरे गुजरात में, मैं बीजेपी से हूँ और पूरे गुजरात में जितनी भी क्लबें हैं सबको ये मूवी दिखाने का पूरे पूरा प्रयास करूँगा. और ये मूवी चलनी चाहिए, पब्लिक को ऐसा मूवी देखना ही चाहिए. मूवी एक सोशल थॉट पर डिपेंडेंट है और ये फिल्म बहुत अच्छी है. आई एम श्योर कि ये मूवी देख के लोगों के माइंड में जो एक सोशल अवेयरनेस आएगा वो बहुत काम का होगा. सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी अ ग्रेट सक्सेसफुल फिल्म. थैंक यू वेरी मच. अमीना ये बहुत ही अच्छी फिल्म है. अमीना की सबसे अच्छा पार्ट जो हमें लगा है वो पैरेलल थिएटर और सिनेमा जो डायमेट्रिकली अपोजिट प्लॉट लेके चलती है. और ये जेंडर सेंट्रिक, वुमन सेंट्रिक इशू लेके, थीम लेके फिल्म राइटर डॉक्टर किशन पवार और डायरेक्टर कुमार राज साहब ने बहुत ही अच्छा ये फिल्म बनाया है. और मैं आई एम वेरी श्योर दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वन इन टुडेज टाइम. थैंक यू. अमीना एक बहुत ही सुंदर मूवी है. मेरे ख्याल से हर कॉलेज की हर लड़की ने, हर टीचर ने ये देखनी चाहिए. और कुमार राज जी का डायरेक्शन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने डायरेक्ट किया है. और ये जो दो कहानियाँ एक जगह पे आई है, टू पैरेलल स्टोरी, एक मीना और अमीना की, ये पहली बार आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ है. तो इसके लिए और भी लोगों ने जो फिल्म स्टडीज़ करते हैं वो बच्चों ने भी ये मूवी देखनी चाहिए कि हाउ टू कंबाइन टू स्टोरीज़ टुगेदर. और जो लेखक है उनकी कहानी भी बहुत सुंदर है. दो अलग अलग कहानियाँ भी इसमें हैं. सो आई थिंक ईच एंड एवरी वुमन शुड वॉच दिस मूवी. थैंक यू सो मच. अमीना जो फिल्म है, दिस इज़ रियली वेरी नाइस वन एंड इन विच यू कुड सी द एलिमेंट्स ऑफ थिएटर, द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड. यू कैन जस्ट सी दैट दे हैव बीन कंबाइंड टू गिव अ वेरी ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी एंड फॉर द वीमेन एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन. एंड ऑफकोर्स दिस फिल्म विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द साइकी ऑफ इंडियन पीपल. और ये फिल्म बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज देती है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन अमीना फिल्म काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि खास करके महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पे एक तरीके का कटास है सरकार के खिलाफ में. और इस तरीके की मूवी बनती रहनी चाहिए. और खास करके ये बताना चाहेंगे इस मूवी में एक खास तौर पर एक इंडिपेंडेंट लड़की को खड़ा करने की कोशिश जो है वो सभी ने किया है यहाँ पर, ताकि जो लेडीज़ होती हैं वो घर से आराम से निकल सके. सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था. तो इस तरीके की मूवी बननी चाहिए. हर लड़की को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए.
5 में से 4 स्टार देना चाहेंगे।